रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड यू ऑल विल बी फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 2 दैट इज रिलेटेड टू पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। पार्ट्स ऑफ अ प्लांट मींस पौधे के हिस्से। इन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पेज नंबर 6 to 8 वी विल डिस्कस अबाउट रूट, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 6। इफ यू लुक अराउंड, आप अपने इर्द गिर्द देखें, यू विल सी मैनी प्लांट्स, आप बहुत से पौधे देखेंगे। कैन यू नेम सम प्लांट्स इन योर सराउंडिंग, क्या आप अपने इर्द गिर्द मौजूद चंद पौधों के नाम बता सकते हैं। नाउ कम ऑन पेज 7, लुक एट द प्लांट इन द पिक्चर, आप तस्वीर में मौजूद पौधे को देख रहे हैं। कैन यू नेम सम ऑफ इट्स पार्ट्स, क्या आप इसके कुछ हिस्सों के नाम बता सकते हैं। अ प्लांट हैज़ अ रूट, स्टेम, लीव एंड फ्लावर्स, पौधे में मौजूद जड़, तना, पत्ते और फूल हैं। लेट अस रीड द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट्स, आइए हम इन तमाम हिस्सों के बारे में पढ़ते हैं। बेटा, हम सबसे पहले रूट के बारे में पढ़ेंगे। रूट मीन्स जड़। रूट ऑब्जर्व वाटर फॉर द प्लांट, रूट क्या करती है, पानी जज्ब करती है पौधे के लिए। दे आर लोकेटेड इनसाइड द सॉइल, सॉइल मीन्स मिट्टी, इनसाइड मीन्स अंदर, ये मिट्टी के अंदर मौजूद होती हैं। रूट्स आल्सो एंकर द प्लांट इन टू सॉइल, जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूत बनाती हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेम। स्टेम मीन्स तना। सबसे पहले जड़ों से जो पौधा निकलता है मिट्टी से बाहर, सबसे पहले पौधे का वो हिस्सा क्या कहलाता है, तना कहलाता है। द स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द प्लांट, इट बियर्स लीव, फ्लावर्स एंड फ्रूट। तना पौधे को सहारा देता है और ये पत्तियों, फूलों और फलों का वजन उठाता है। द स्टेम आल्सो कैरीज वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट, और तना पौधे के तमाम हिस्सों तक पानी पहुंचाता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्टेम, तने की दो किस्में होती हैं। आपने देखी होंगी हमारे पास बड़े बड़े दरख्त होते हैं जिनका तना जो है वो लकड़ी का होता है, और जो छोटे पौधे होते हैं उसका तना हरे कलर का होता है और उसमें लकड़ी मौजूद नहीं होती। हमने रूट और स्टेम के बारे में पढ़ा था। इट एब्जॉर्ब वाटर फॉर द प्लांट, ये ज़मीन के अंदर होती है, ये पौधे के लिए पानी जज्ब करके पौधे को मिट्टी में मजबूत करती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब तेज़ हवा, आंधी या तूफान आए तो बड़े बड़े पौधे जैसे दरख्त वगैरह अपनी जगह पर कायम रहते हैं, मौजूद रहते हैं, गिरते नहीं हैं, टूटते नहीं हैं, क्योंकि इनकी ज़मीन के अंदर जड़ें मजबूत होती हैं और ज़मीन के ऊपर तना भी मजबूत होता है। और छोटे पौधे तेज़ हवा से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें भी कमज़ोर होती हैं और ज़मीन के ऊपर इनका तना भी कमज़ोर होता है। कम ऑन पेज नंबर 8, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लीव। लीव मीन्स पत्ते। बेटा, ये भी पौधे का एक अहम हिस्सा है, इसके बगैर पौधा मुकम्मल नहीं हो। लेट्स कम टू रिप। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, पत्ते पौधे के लिए ग़िज़ा तैयार करते हैं। दे कैप्चर सनलाइट एंड ट्रांसफर इट इनटू शुगर इनसाइड द लीव्स, ये सूरज की रोशनी हासिल करके और इसे पत्तियों के अंदर शुगर में मुंतकिल कर देते हैं। लीव्स वेरी इन शेप्स एंड साइज, आपने मुख्तलिफ किस्म के पत्ते देखे होंगे जिनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं और मुख्तलिफ शक्लें होती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि इस पिक में कि कुछ आपको मुख्तलिफ किस्म के पत्ते नज़र आ रहे हैं जिनकी शक्लें भी चेंज हैं, मुख्तलिफ हैं और इनके साइज़ भी मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फिग, पाम, स्पिनिश। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे, फ्लावर। ये फ्लावर पौधे का एक अहम हिस्सा होता है। फ्लावर्स कम इन ऑल कलर्स, फूलों के मुख्तलिफ रंग होते हैं, शेप एंड साइज, और मुख्तलिफ साइज और इनकी शक्लें होती हैं। एंड हैव अ स्वीट स्मेल, और खूबसूरत खुशबू भी होती है। फ्लावर्स हेल्प अ प्लांट टू ब्रीड,
फूल मदद देते हैं बढ़ने में. अ फ्लावर फॉर्म्स फ्रूट, द सीड इनसाइड द फ्रूट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. बीज होते हैं वो एक नया पौधा बनाने में मदद देते हैं. अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्री. आपके सामने ये एक पिक है जिसमें एक लाइफ साइकिल दिया गया है, यानी कि बीज से दरख्त और फल के का जो जितना भी दौरानिया होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले हम बीज हासिल करते हैं, बीज को ज़मीन के अंदर हम डालते हैं. उसके बाद हम ज़मीन से ऊपर एक पौधा बनता है, छोटा पौधा होता है, फिर वो बढ़ता रहता है और फिर वो दरख्त की शक्ल अख्तियार करता है. और फिर उसके बाद नीचे हमारे पास ये एरो, देखिए एरो आ रहा है फ्लावर की तरफ, फ्लावर बनता है. और फिर फ्लावर के बाद हमारे पास फ्रूट तैयार होता है, और फ्रूट के अंदर हमारे पास दोबारा एक बीज बन जाता है, सीड होता है, जो कि जिससे हम फिर दोबारा ग्रोथ कर सकते हैं, नया पौधा तैयार कर सकते हैं. नाउ कम ऑन पेज नंबर 9. देर इज़ अ पिक ऑफ फ्लावर. वी हैव टू फिल इट पार्ट इट्स पार्ट्स लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले जो पौधे का हिस्सा होता है वो हमारे पास ज़मीन के अंदर, हमने अभी पढ़ा, रूट्स होती हैं जो ज़मीन के, आपको ये मिट्टी नज़र आ रही है, इसके सामने एरो है, यहाँ हम लिखेंगे रूट्स. उसके बाद हमारा कौन सा हिस्सा आता है ज़मीन के ऊपर, कौन सा हिस्सा ग्रोथ करता है, अभी मैंने आपको बताया उसके बारे में. स्टेम, आपके सामने एरो आ रहा है, एक स्टिक टाइप चीज़ है, इसके ऊपर हम एरो है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं. और उसके बाद थर्ड पार्ट हमारा है लीव, पत्ते बने हुए हैं आपके सामने, इसके सामने हम लिखेंगे लीव इस ब्लॉक में. उसके बाद लास्ट में हमारे पास फ्लावर है, जिसे जो हमारे पौधे का लास्ट हिस्सा होता है, इसके बाद फिर ये फ्रूट.